आईपीएल सीजन 13 के समाप्त हुए करीबन 2 महीने हो चुके हैं और अब खबर सामने आ रही है कि इस सीजन के दौरान एक खिलाड़ी को एक दिल्ली की रहने वाली एक कथित नर्स ने अप्रोच किया था और इस मामले को लेकर एएसयू यूनिट जो है उनके जो चीफ है एंटी करप्शन यूनिट के जो चीफ है अजीत सिंह ने इसको बात को कंफर्म किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि एक खिलाड़ी को अप्रोच किया गया था, ऑनलाइन किसी ने अप्रोच किया था और टीम के बारे में जानकारी मांगी थी। हाँ, बताया जा रहा है कि ये क्रिकेटर जो है इसका नाम ऑब्वियसली रिवील नहीं किया गया है कॉन्फिडेंशियल रीजंस के चलते कि वो कौन खिलाड़ी था, किस टीम का था, विदेशी था या भारतीय खिलाड़ी ही था, लेकिन उसको यकीनन किसी ने ऑनलाइन अप्रोच किया और टीम के प्लेइंग 11 को लेकर जानकारी मांगी थी। और ये जो शख्स था, ये जो व्यक्ति जो कि एक दिल्ली की रहने वाली एक नर्स बताई जा रही है जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है, उसने टीम के बारे में जानकारी मांगी थी जो कि वो दाव लगाना चाहती थी। कथित तौर पर दिल्ली की एक नर्स जो कि एक निजी अस्पताल में काम करती है, उसने क्रिकेटर से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया था। हालांकि उनसे वो क्रिकेटर व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला है। नर्स से इस क्रिकेटर ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ रोकथाम के लिए सलाह ली थी। वहीं भ्रष्टाचार विरोधी प्रोटोकॉल के अनुसार गोपनीय उद्देश्यों के लिए खिलाड़ी या मताधिकार का नाम सामने नहीं आया है। BCCI के एंटी करप्शन यूनिट के चीफ अजीत सिंह ने कहा है कि खिलाड़ी से संपर्क करने वाला व्यक्ति अनप्रोफेशनल था, यानी उसके सट्टेबाजी सिंडिकेट से कोई संबंध नहीं है और छानबीन में आगे कोई लीड नहीं मिली है। इसके चलते ये जो केस है वो बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो चैट देखी गई है इस खिलाड़ी और इस कथित नर्स के बीच, उसमें ये देखा गया कि जब प्लेइंग 11 को लेके इस नर्स ने इस खिलाड़ी से पूछा, सवाल किया, तो इस खिलाड़ी ने एक एंग्री जो कि गुस्से वाली जो इमोजी होती है वो भेजी थी और नर्स ने रोने वाली इमोजी से रिप्लाई किया था और ये भी कहा था, उसको प्रॉमिस किया था क्रिकेटर को कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी और सारे के सारे मैसेजेस डिलीट कर देगी। इसी को लेकर जो क्रिकेटर था उसके कान खड़े हो गए, उनको शक हुआ और उसने तुरंत जाकर ACU जो कि एंटी करप्शन यूनिट है BCCI का, उसको जाके इतला किया इस पूरे मामले को लेकर। अब अगर आपको याद हो कि 2013 में IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था और बहुत बड़ा विवाद था, वो एक कलंक आप कह सकते हैं क्रिकेट में, और उसके चलते जो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम है उनको 2 साल का सस्पेंशन भी झेलना पड़ा था, 2 साल का प्रतिबंध भी झेलना पड़ा था। और इस सब के चलते जो स्कैंडल्स हैं उनके चलते तमाम तरीके के जो कदम है BCCI ने वो उठाए हैं बैटिंग जैसी बातें और जो स्पॉट फिक्सिंग जैसी चीज़ें उनको रोकने के लिए, ऐसे कोई अप्रोच ना करे क्रिकेटर्स को उसको लेके। इस IPL के पहले भी कई क्रिकेटर्स को जो कि सब लॉकडाउन में थे और पता नहीं था कि कहाँ होगा कैसे होगा, लेकिन इससे पहले वर्कशॉप हुई थी सारे ही खिलाड़ियों के साथ ACU की, जहाँ पर उनको ऑनलाइन एक वर्कशॉप दी गई थी, बताया गया था कैसे कैसे आपको प्रिवेंट करना है इस चीज़ें, कैसे आप कोई अगर अप्रोच करता है चाहे वो फैन के रूप में हो ऑनलाइन चाहे वो कोई भी हो, कैसे आपको रिपोर्ट करना है, इन सब का रोकथाम कैसे करना है। और इसी के चलते देखिए IPL के बहुत सारे फैंस हैं, क्रिकेट के तमाम फैंस हैं इस पूरे देश में और दुनिया भर में भी। IPL सबसे ज़्यादा देखा गया क्रिकेट लीग भी है और इसके चलते अगर बैटिंग और स्पॉट फिक्सिंग टाइप के अगर स्कैंडल्स हो उनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है फैंस के विश्वास बनाए रखने के लिए। फैंस के विश्वास और जो उनका क्रेज़ है, जो उनकी डिवोशन है, डेडिकेशन है खेल के प्रति, उसके लिए भी बेहद ज़रूरी आता है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए इन सब एक्टिविटीज़ का रोकथाम करना।